हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आए हैं कि उसमें शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी क्या महत्ता है, आइए जानते हैं। तो उनकी उत्पत्ति की कथाएं विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों के रूप में लिखी हुई है, जैसे कि शुनदारु नाम का एक वन था, वहाँ के निवासियों की स्त्रियाँ उस वन में लकड़ी बीनने गई। महादेव शंकर जी नंगे कार में वहाँ पर स्थितियों के पास पहुँच गए। वहाँ पर देखकर कुछ स्त्रियाँ वहाँ से व्याकुल हो अपने अपने आश्रम वहाँ से वापस लौट गए, लेकिन कुछ स्त्रियाँ वहाँ पर उनको आलिंगन करने लगे। इसी टाइम पर वहाँ पर कोई ऋषि मुनि आए, नंगे स्थिति में देखकर हे देव, मार्ग को लुप्त करने वाले इस लुप्त में आप विरुद्ध काम क्यों करते हो? ये सुन शिवजी सुनकर ये कहा कि वहाँ से ऋषि ने उनको शराप दे दिया कि तुम्हारा ये लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर जाए। उनका ये ऐसा कहते शिवजी जी का लिंग वहाँ पर कटकर गिर गया और आगर खड़ा हो वो आग के समान जलने लगा और पृथ्वी पर जहाँ कहीं जाता जलता ही जाता, जिसके कारण संपूर्ण आकाश पाताल और स्वर्ग लोक में महान महान मच गया। ये देख ऋषियों को बहुत दुख हुआ। इस स्थिति से निपटने के लिए ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, नमस्ते कर उनसे रक्तांत कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग शिव के पास जाइए और शिव को अपने रिंग को देखकर कहा कि हे ऋषि लोग, आप लोग पार्वती जी के शरीर में जाइए, इस ज्योतिर्लिंग को पार्वती के अलावा कोई धारण नहीं कर सकता। इसके बाद पार्वती की आराधना कर उन लोगों ने पार्वती को आराधना किया और पार्वती को आराधना करके ज्योतिर्लिंग को अपने योनि में शासित किया। तभी से जब भी से ज्योतिर्लिंग की योजना प्रारंभ हुई ऐसी मान्यता है, तथा उसी मान्यता से शिवलिंग और पार्वती की भक्ति की मूर्ति का प्रचार उसी टाइम से पूजा के स्वरूप में किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।